नौकर यहाँ पर और पैसे दूसरे घर में, इतना सोच कैसे लेते भाई? डर की वजह से सर। अब कोई चूना तो लगा के गया, बात बच नहीं रही है। अच्छा अमाउंट कितना था? 4.5 लाख। करोड़? अपनी पूरी जिंदगी दादा के यहाँ हाथ फैलाना पड़ेगा, अच्छी तरह सोच लो। ए, जल्दी करो जल्दी करो। और मनोज सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया। मनोज का नंबर दो। ए, और कौन है? लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इस झगड़े से मुझे बहुत कुछ मिला है। ये मेरा दुश्मन नहीं है, ये मुझे मारना चाहता है और मैं ये लड़ाई जीतना चाहता हूं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये 2 लाख रुपए हैं मनी, आज के मैच में मेरी तरफ से इंडिया पर लगा दो। पत्ते खेलने में मेरा हाथ लकी है, मगर ये क्रिकेट बैटिंग मैं नहीं जानता, मेरी तरफ से तुम लगा दो। अरे ये क्रिकेट नहीं है यार। हाँ? वो बुकी तुम्हारी जान पहचान का है, मैं डिपार्टमेंट का आदमी हूँ, पता चलने पर अंदर हो जाऊंगा। तुम इस लफड़े में क्यों पड़ रहे हो? खेलने वाले का पता नहीं होता, पता नहीं जीतूंगा या नहीं, किस्मत है। 1000-2000 होता तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 लाख। बेवकूफ को धोखा देने के लिए होशियार लोग हमेशा किस्मत का चक्कर पालते हैं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। बॉम्बे में आज सुबह ही सीबीआई ने बुकी के गैंग को पकड़ा है। मेरा साला सीबीआई में है, उसी ने बताया है। मैच फिक्स है, कंफर्म न्यूज है, इंडिया ही जीतेगी। चांस बहुत बढ़िया है, क्या करूं, मेरे पास इतना ही था, अगर और होता तो बढ़ा कर लगाता। देख भाई मनी, मैं तुझ पर भरोसा करके तुझे बता रहा हूँ, बाहर के किसी को मत बताना, ठीक है? मनी मौका अच्छा है, कुछ पैसे तुम भी लगा दो, जीतने के बाद 10% कमीशन मुझे दे देना। हाँ ओके। जज राघवेंद्र जी लाइन पर हैं, वो 30 लाख लगाना चाहते हैं क्रेडिट पर। हाथों में दर्द हो रहा है दादा। अभी तक 100 बार मार चुका होगा, लास्ट में 7 बार की मार याद रहनी चाहिए, बाकी वो सब कुछ भूल जाए चलेगा, लेकिन तेरी एक मार ही पहली मार की तरह होनी चाहिए। पेंट करने के बाद घर बिल्कुल नया लगेगा ना? मैच देखने के लिए इतनी जल्दी दुकान बंद करके आ गए? आप नहीं सुधरेंगे। सर, और बियर चाहिए? 5 बॉल हैं, 8 रन हैं। क्या लगता है इंडिया जीतेगी? पक्का जीतेगी सर। चुप हो जा वरना मार दूंगा। रोती जा रही है, मैच देखना। सर हम हार गए हैं सर। तो मैं तो जीत गया ना, जा बिल लेकर आ। सर बिल। ओए, ऐसे देख रहा है जैसे कि मैं कोई देशद्रोही हूँ? पैसे के लिए होने वाले मुकाबले में मैंने थोड़ा सा कमा लिया, बस इतना ही ना। ये ले, एंजॉय कर। जय, किचन ऑर्डर। व्हाट सर? शू पॉलिश डन सर। ओके सर। सर सर, हॉट वाटर कमिंग सर। डार्लिंग कितना टाइम लगा रहे हो? बैटरी प्रॉब्लम सर। सर सर सर, गीजर प्रॉब्लम सर। देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम, दैट्स यू। व्हाट डू यू वांट? बकेट चाहिए सर। नो सर सर सर, अंडरस्टैंड सर, प्लीज सर।
टिप सर, नो सैलरी सर, प्लीज सर, प्लीज हैंग ऑन हियर, गो अवे। क्या कर रही है इसने? ए, टिप मिल गई ना? इस भिखारी से टिप मांगी तो इसने मेरे मुंह पे प्लेट मार दी, देखना यार। ए, डिनर टाइम पर यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से किचन में जाओ। ऑर्डर तो ऐसा देती है जैसे लाखों में सैलरी देती है। विदेश में अगर नौकरी चाहिए तो 5 महीने का सर्टिफिकेट मिल जाए, इसलिए यहाँ पे फ्री में काम कर रहे हैं। ये भी कोई गाली खाने की उम्र है यार? तुझे गेस्ट को हैंडल नहीं करना आता। मैंने क्या गलती की है? गलती नहीं की, ये काम तुझ पे सूट नहीं करता। इतना बोल रहा है, तूने कौन से झंडे गाड़े? ₹2,000 सुपर मेरे दोस्त। 2,000 मिल गए मतलब आज की पार्टी तेरी तरफ से। स्नैक्स है ना, आज रात को यहीं से मार देते हैं। और सुन भाई, मेरी पैंट बहुत टाइट है, तेरे पॉकेट में तंदूरी चले जाएगी। तुझे तो जब भी देखो तो चोरी करके ही खाता है। रूम पर नहीं जा रहे हैं, डिस्को चलते हैं। डिस्को में? अरे सुन ना, डिस्को के लिए ना चाहिए, और डांस करेंगे तो 2,000 कम पड़ेंगे। डांस तो कर भी लेंगे मगर कहाँ से लाएंगे? ए, हमारे लॉज में जो बंटी है ना, वो इस वक्त डिस्को में बाउंसर का काम कर रहा है, उसे पटाकर हम अंदर घुस जाएंगे। इसे पब्लिक टॉयलेट समझ रखा है, जो घुस जाएगा पब है ये, लड़कियां आती हैं। है जय, तू अकेले ही जा, ये देखने में सही नहीं दिख रहा है। जय, इस पूरे हफ्ते की बिरयानी का खर्चा मैं उठाऊंगा, मुझे मत रोकना भाई। भाई, एक हफ्ते के लिए पेट भर के बिरयानी, ठीक है ना? महीने भर। हे, जय, तेरा मोबाइल देना। हे, लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट हो, लेफ्ट, बस बस बस। ओके। हे, तूने मेरा फोटो क्यों खींचा? यू नो, आई क्लिक माय फ्रेंड। झूठे, तूने मेरा फोटो खींचा है। मैडम, क्या प्रॉब्लम है? मेरा फोटो खींच रहे हैं। नहीं नहीं, वो मेरा फोटो खींच रहा था। बिल्कुल नहीं, तुम मुझे अपना फोन दिखाओ। ए, जरा दिखा। लेकिन वो, देना। I think that guy groped her. अरे यार, मैं तेरा फोटो खींच रहा था यार, गलती से दीदी का फोटो आ गया, सॉरी यार। हे, तू अंदर कैसे आ गया? अरे बाप रे बाप। हे, रुको रुको भाई, आप जाइए। हे, तू अंदर कैसे आ गया यार, चल बाहर चल। भाई भाई सुनो, सॉरी भाई, पता नहीं कहां कहां से गवार अंदर आ जाते हैं। अरे भाई, वो गलती से हो गया। मना किया था ना, मना किया था ना, दिखा देना अपनी औकात। हैं बंटी, छोड़ उसे। ए, मैं नहीं आता ना तो वो लड़की इसे सैंडल से मारती, तुम्हें अंदर भेजने के चक्कर में मुझे ही भगा देते। ए, फिर कभी पब वब का नाम लिया ना तो मैं तुझे। चल भाग। क्यों उस लड़की का फोटो खींचा तूने? यार वो पहली बार देखा था, फर्स्ट टाइम था, थोड़ा जज्बाती हो गया था। यही पैसे वाले लड़के करते तो धक्का देके बाहर निकालते उन्हें। दारू की दुकान खुली होगी ना? एक एक करके मेरे सारे गहने जुए में हार गए आप। रहने के लिए ये घर बचा था, उस घर को भी गिरवी रख दिया आपने। मेरे बच्चे का बाप कहने के लायक नहीं है आप। बच्चे को रहने के लिए एक छत भी नहीं बचा। कैसा इंसान है तू तो? जल्दी से 8,000 का जुगाड़ करो, पासपोर्ट तुरंत मिल जाएगा। सर अभी तो 3,000 दिए थे ना? तो सही है, देखो डॉक्यूमेंट्स हो तो इतने लगते हैं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंतजाम करके फोन करता हूँ। क्या हुआ? पासपोर्ट एजेंट था, पैसे मांग रहा था। जल्दी से दे दे दोस्त। ऐसे बुलाने वाले का कोई भरोसा नहीं है, किस्मत खराब हो तो कोई भी आकर खेल कर चला जाता है। अब ये आ गया है ना तो हमारी किस्मत बदल देगा। थोड़ी दारू इसमें डाल दोगे प्लीज? अरे रे, ठीक है चाचा। 4 निशान तक दारू, हाँ 6 के निशान तक पानी। क्या बात है। पासपोर्ट के लिए इतना है तो वर्किंग परमिट के लिए और वीजा के लिए। वर्किंग परमिट? ए, एक पैग और बना। ठीक है चाचा, बेचारा है।
क्या हुआ? अरे हल्का हो जाएगा। हाँ। दारू स्नैक्स ये कैसे खाएगा? रख 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 दे। ठीक है चचा जा। ए पासपोर्ट मेरे सामने अप्लाई कर दे। कैसे पीता है? बाद में दिक्कत होगी। ए मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। हाँ अरे बोल ना क्या बोल रहा है तू? ए और कितनी देर तक इंतजार करूँ? आकर पैक बना। तुम्हारे हाथ है? इतनी देर से क्या मैं चाट कर पी रहा था? हाँ? है? तूने मुझे कुत्ता बोला? भाई क्या बात हुई? इसने कुछ बोला क्या? क्या बोला? मैंने कब ऐसा कहा? बोतल उठा चलते हैं यहाँ से। क्या कर रहा है? दारू का पैक बना? पहले यहाँ से निकलते हैं। निकलने को बोलेगा तू भी इसे। ऐसे घूर कर क्या देख रहा है? मैंने किसे मारा किसने देखा तब मैंने कुछ नहीं सोचा था। सुन गोपी तू रूम पर जा मैं चाचा को फोन करके आता हूँ। ठीक है। हेलो हेलो चाचा मैं जय बोल रहा हूँ। मोबाइल पर फोन किया आपने उठाया नहीं इसलिए लैंडलाइन पर फोन। ठीक है बोल। कैसे हो चाचा? चाची कैसी हैं? बताया था ना पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए 8,000 रुपये चाहिए थे। एक बात सुन जितना मुझसे हो सका उतना मैंने किया अब मुझसे और कुछ उम्मीद मत करना तू खुद बंदोबस्त कर ले। अरे भाई एक मिनट सुनो एक मिनट। तुम्हें नाम क्या है तुम्हारा? आप कौन है? अरे मुझे कल रात में बार में नहीं देखा? चार लोगों की आसानी से पिटाई कर दी। लड़ाई वड़ाई सीखते हो क्या? आपको जिससे बात करनी है वो मैं। कल तुम्हारे जाने के बाद बार में पुलिस तुम्हें पूछ रही थी। आपके जान पहचान वाले थे? गलती उन्हीं की थी। मैं तो मार खाने को तैयार हूँ। पुलिस के पास मत जाइए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जानते हो उन्होंने कल क्या? एक मिनट मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता। एक पार्ट टाइम जॉब है करोगे? 10,000 मिलेंगे। काम क्या है? गली में 3 दुकान छोड़कर मेरी दुकान है रात को वहीं आ जाना बता दूंगा। ठीक है शिफ्ट का टाइम हो गया मैं चलता हूँ। अंकल अंकल क्या अंकल इतनी जल्दी आपने दुकान बंद कर दी? हम दोनों ने मैच पर बेट लगाई है। चलो निकलो यहाँ से। कल तुम लोग मुझसे बेट हार गए थे पहले उसका हिसाब करो उसके बाद बात करना। आया मैच खेलने कल से पैसे बढ़ाने पड़ेंगे सिर्फ चिल्लर ही आते हैं। क्या नखरे दिखा रहा है देख हमारे पैसे कितनी बार खा गया होगा। कल पेन ड्राइव लेकर आ उसके सब कंप्यूटर में वायरस डाल देंगे। शहर में ऐसी भी कोई जगह है ये बात कोई नहीं जानता।
ए, लगता है गया, उठने वाला नहीं है अब। जय जय, जवाब तो देकर जाओ। पैसों के लिए मार खाकर मरूं, मैं कोई गुंडा नहीं हूं। वो मैंने बार में देख लिया है। अरे अपना गुस्सा बाहर नहीं, यहाँ पे दिखा, पैसे मिलेंगे। ज्यादा अच्छा होने का नाटक मत कर, तेरे माथे के निशान से पता चलता है तू कौन है, सब जानता हूँ मैं। रहने दो, क्या जानते हो मेरे बारे में? हाँ क्या जानते हो? बड़े हो इसलिए छोड़ रहा हूं। कौन है ये? वो भाभी रही नहीं, बेचारा छोटा बच्चा है, कहाँ जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा था। तू कुछ करता नहीं है, ऊपर से ये बोझ, चुपचाप इसे कहीं छोड़कर आ जा, वरना अपना बैग ले और तू भी चलते बन। बेटा तुम जिस नए स्कूल में जा रहे हो उसमें तुम्हारे रहने के लिए अलग रूम है, बहुत अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे, नए नए दोस्त मिलेंगे, वहाँ खूब खेलना और मस्ती करना, समझ गए? वहां पर जा, बोला ना वहां जा। चल जा। सभी को जो चीज आसानी से मिल जाती थी वो मुझे मारकर छीननी पड़ती थी। सबको मारा, हर चीज के लिए मारा, अपने लिए दूसरों की आंखों में देखने का जो नशा होता है, मैं उसे रोक नहीं पाया। बहुत बड़ा गुंडा है तू, स्कूल के अंदर लड़कों को मारता है। जानता है कि गुंडा कौन होता है? जिसकी अलग पहचान होती है वो होता है गुंडा, और आज से ये तेरी पहचान है। उसके बाद भी मैं अपना गुस्सा रोक नहीं पाया, मगर भूल जरूर गया। जय कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम जितना चाहते थे उतने मार्क्स मिल गए, एग्जाम में नहीं लेकिन चेहरे पर, इन दोनों को मार्क ही तो कहते हैं। मैंने तुझे कितनी बार बोला था झगड़ा मत कर, जिंदगी भर तुझे संघर्ष करना होगा, तू एक गुंडा नहीं है ये तुझे साबित करना होगा। क्या देख रही है? सिर्फ गैस है। यहाँ नहीं है, तू ही देख। अरे वहीं पर होगा, देख ले। अबे चल, यहीं पर तो देखा था। हाँ हाँ, हे यहीं पर तो है यार। खर्चा कर रहा है तो सारी मेहनत मुझसे ही करवाए। एक्सक्यूज मी, बिल बनाइए। एक्सक्यूज मी, कुछ लोगों को देखकर ऐसा लगता है मरते दम तक बस देखते ही रहे, वो भी ऐसी ही थी। आप में से किसी के पैसे तो नहीं गिरे? हाँ, पता नहीं क्या हुआ लेकिन इसे मैं मिस नहीं करना चाहता था। ये 1000 का नोट, ये मेरा है, दे दो। बेटी ये यहाँ मिला क्या? मैं वहां पर ढूंढ रही थी, पता नहीं ये यहाँ पर कैसे चला आया। दीदी हाँ, वो मेरे है, स्कूल फीस भरने के लिए रखे थे। अच्छा हुआ आपको मिल गए, थैंक यू दीदी, थैंक्स गॉड। ए चल, ए तूने तो तेरी फीस भर दी ना, मैं कैसे भरूंगा, वो मेरे पैसे। वो इसका नहीं है, घर पर गिरा कर तू यहाँ ढूंढ रहा है, चल जाकर ढूंढते हैं। ए वो ट्यूशन की फीस है, ये स्कूल की फीस है। हाँ। सुनो बेटी, मैं सच कह रही हूँ, ये मेरा ही है। आपका नहीं है ना, जहाँ से उठाया वहाँ रख दो, हम देख लेंगे। हेलो, मैंने आपके पॉकेट से नहीं निकाला है,
आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं मुझसे? आप रुकिए, आपने चेक करके देखा क्या? मेरे नहीं है। ठीक से चेक करके देखिए ना। मैंने खोए तो नहीं है? हाँ, मैंने इसी बॉक्स में रखे थे। अरे बाप रे, अंदर तो नहीं है? शायद डालते समय गिर गए होंगे। राइट, मैंने भी यहीं से उठाया है। मैं इसी में डाल देती हूँ। हाँ सही रहेगा। नहीं अब... कैसे खुश हो रहा है? आपका बिल बना दिया है। ए, ए, अरे वो बिल तो देखिए, जा पकड़। चले गए। आपका बिल बना दिया है। कितना हुआ? 1350 रुपए। हाँ? कितना? उस पर तो 1750 लिखा है। 1750 का बिल है, 400 का डिस्काउंट दिया है। ओ, इसमें 4G है ना? ये शेवर है। शेवर है? मुझे लगा कि मोबाइल फोन है। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सुबह सुबह चले आते हैं। सिर्फ 1000 रुपए के लिए कोई इतना गिर सकता है? अजीब है ना। आपको मैंने कहीं देखा है। तुम भी शुरू हो गए, सारे लड़के एक ही जैसे होते हैं। चलो ठीक है, मेरा नाम जय है। ओ ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम राम दुलारी है। राम दुलारी? मैं होटल में काम करता हूँ। अरे रे रे, हमने अभी अभी घर पर खाना बनाने वाली को लगाया है, आप कहीं और ट्राई कीजिए। आप क्या करती हैं? मैं बीच पर चने बेचती हूँ। बीच पर चने? अब मैं जा सकती हूँ? ए, क्या कर रहे हो तुम? मेरी स्कूटी पर ये क्या लिख रहे हो? घर पे जाकर खूब हंसना और फिर सोचना कि लड़का तो अच्छा था, ऐसे क्यों बोला सोचकर जब फील करो तो ये फोन नंबर है, फोन करके सॉरी बोल देना। लगता है बारिश होने वाली है। बारिश? अब तो पक्का मच जाएगा। क्या हुआ जाए, सेल्फी नहीं ली क्या? चलो चलते हैं। राम दुलारी बोल रही हूँ। फिर शॉर्ट में दुलारी सेव कर लूँ ना? नहीं। हेलो। सॉरी। हेलो। ऐसे लापरवाह की तरह मोबाइल तोड़ के आ गया, ब्लडी फूल। मैंने अपने लिए अलग से मोबाइल तक नहीं लिया, इसी से काम चला रहा था। मैं अपने सेटिंग से बात कैसे करूंगा? अब बोल, नया फोन कब खरीदेगा? बहरा है, कब खरीदेगा? क्या कहा? 10,000? एडवांस सिर्फ परमानेंट स्टाफ को मिलता है, तुम यहाँ सिर्फ इंटर्न हो। ओके सॉरी यार, अभी हालत थोड़ी टाइट है। वापस कब करेगा तू? नहीं पता ना? पैसों के लिए इतना डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है। कल अगर किसी गेस्ट का सामान खो गया ना, तो शक तुम पर ही जाएगा। कब तक तू ऐसे पैसे मांगता रहेगा? कोई दूसरी जॉब ढूंढ लेना। क्यों, फोन के बिना तू नहीं रह सकता है क्या? अरे अपना गुस्सा बाहर नहीं, यहाँ पे दिखा, पैसे मिलेंगे। आ गया। पैसों के लिए लड़ेगा नहीं बोला था तूने? यहाँ जो भी लड़ाई होती है पैसों के लिए ही होती है। जब भूख लगे तब खाना नहीं ढूंढा जाता है। कुछ होगा तो बताता हूँ।
अपना नंबर रजिस्टर में लिख दो। नाइन डबल फोर डबल फाइव फोर एट थ्री सेवन टू। ए किसका नंबर है ये? ये मेरे दीदी का नंबर है यार। अबे सांड भाग यहां से। ए हाउ डेयर यू, किसका फोन यूज कर रहे हो? यू आर फायर्ड, गेट लॉस्ट। हे भाई, तुम्हारे लिए फोन है। हेलो, आज रात को मेला है, चलेगा? ओ बिरयानी वाला क्या? हे भाई, बिरयानी तैयार है ना? चिकन या मटन? हे तुम क्यों इतना नाराज हो रहे हो? खाना खाने जा रहे हैं ना, थोड़ा स्माइल नहीं कर सकते? सही, हम मेला बोलते हैं। तुम्हारे जैसे फाइटर को जोकर बुलाते हैं। ये जोकर, जोकर के ऊपर जो पैसा लगाकर खिलाते हैं उन्हें बादशाह कहते हैं। बादशाह से गेम लगाने का ये काम ये पटेल करता है। एक बार में कितने लोगों से ये पैसा लगा दे, इन सबसे गेम लगवाने में एक नंबर का खिलाड़ी है ये। एक रुपया भी नहीं छोड़ता ये। यहाँ जोकर के दो कलर हैं, पहला लाल दूसरा पीला। तुम पीला लाल किसी पर भी गेम लगा सकते हैं, या खेल के हिसाब से बदल बदल कर गेम लगा सकते हैं। गेम कब लगाना है ये पटेल ही बताएगा। यहाँ पैसे लेने से ज्यादा छोड़ने वाले अधिक हैं। इसे चलाने वाले दादा को हमेशा प्रॉफिट ही है। दादा सिर्फ एक एजेंट है। तू जीता तो मुझे कमीशन, तू जीतेगा तभी हमें पैसे मिलेंगे, हार गया तो सिर्फ दर्द मिलेगा। या जो भी आता है उन्हें अलग अलग तरह का नशा है। पैसे सबको चाहिए, लेकिन एक दूसरे से लड़ते मरते देखने का पागलपन है लोगों में। जरा उसकी आंखें देख, खून देखना, लोगों का हाथ पैर टूटते देखने का अलग ही आनंद है। पागलपन है, पैसे लगाए हैं वापस आएंगे कि नहीं एक टेंशन है। और इन सब के बाद डिनर का एक अलग ही आनंद है लोगों में। वो दादा ही यहाँ का नेटवर्क है, उसे हल्का मत समझना। एक नंबर का गुंडा है वो। मुंबई में इसे प्यार से डेंटिस्ट बुलाते हैं। दादा ही चेन्नई का टॉप बुकी है, दुबई तक पहुँच है इसकी। क्रिकेट के फिक्से में करोड़ों कमाता है। जिस सीजन में क्रिकेट नहीं होता इस धंधे को उसी सीजन में ये शुरू करता है, सभी नए नए लड़कों को लेकर के। पास में जो खड़ा है वो मलिक है। पैसों का मामला हो या फिर गैंगवार, दादा मलिक के साथ मिलकर ही काम करता है। और वो है विक्टर, यहाँ का नंबर वन। आज तक यहाँ इसे कोई हरा नहीं पाया, तीन लोगों को ऊपर पहुँचाया इसने। क्या मनी, नया जोकर है, नाम क्या है? जय। सही फाइट करेगा? पटेल तुझे क्या है, जा जाकर फाइट की तैयारी कर। मुनि रूल्स बदल गए हैं। रूल्स बदल गए? आज से रूल्स ही नहीं है। अरे कौन है यार ये लकड़ी का, क्या मारेगा ये? देखते हैं।
लाल रंग है। लगाओ लगाओ पैसे लगाओ। दोनों जोकर पर बदल बदल के पैसे लगाओ। जल्दी लगाओ। उम्मीद है कि आज इन दोनों जोकर के बीच में मुकाबला बहुत जबरदस्त होगा। पीले जोकर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है और पिछले 5 साल में अब तक वो सिर्फ 10 बार हारा है। नया जोकर लाल में है और ये उसका पहला मुकाबला है। अब देखना ये है कि पीले जोकर के मुकाबले में वो यहाँ कितनी देर तक टिक पाता है। लाल जोकर गया, पीला जोकर आया, जोकर फिर उठा, पंच मिस हो गया, फिर ट्राई किया, जोकर फिर से खड़ा हो गया है। अब मिस नहीं होना चाहिए। पीछे क्या आ रहा है, लड़ उसके साथ। चलो चलो एक दो एक दो एक दो एक तीन एक तीन एक तीन एक सात एक सात एक सात दो एक दो एक दो सात एक सात एक सात आठ लाख पचास लाख पचास लाख पचास लाख पचास लाख पचास लाख सत्तर लाख सत्तर लाख सत्तर लाख पचास लाख सत्तर लाख एक गांधी का 45,000 पीला जोकर फिर से उठकर आया है। जोकर फिर से उठा, पंच मिस हो गया और उसने पीले ने पंच मारा है। जोकर फिर से खड़ा कर उसने पंच मारा, पीले ने फिर से उसको पंच मारा है। लगाइए लगाइए जल्दी लगाइए, किस्मत बदलिए, अंतिम दौर चल रहा है, नेट कभी भी पलट सकता है। एक का दस चल रहा है। किस्मत बदलिए दांव लगाइए, किस्मत बदलाइए। 6 का 15 लाख 8 का 17 6 का 1 5 का 7 लाख कैसे जीत गया, मेरे 10,000 डूब गए। भगवान ये कैसे जीत गया कल का लड़का, आज तो पूरा दिन ही खराब गया। बीवी ने भी डांटा, पैसे भी गए। ये ले तेरे पैसे और ये 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 मेरा कमीशन है, ये भी रख ले। तुझे वहाँ ले जाकर मैंने गलती कर दी, ये तेरे बस का नहीं है। एक काम कर, तू फौरन जाने की तैयारी कर। रख लो भैया, जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो वो बेइज्जत करता है, उसको दर्द कहते हैं। ये तो मैं सह लूंगा। अरे लड़की, तूने अभी तक पैसे जमा नहीं किए। अरे कितनी देर तक वो बाहर पड़े रहेंगे, पैसे देगी तभी तो बेड मिलेगा। तू उन्हें घर ले जाना चाहती है तो जल्दी से फैसला करना। भैया वो पैसे देना, ये काफी होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे पास इतने ही है। पकड़। नहीं देने दीजिए। पकड़ और इलाज करा दे। थैंक्स। जय, फोन खरीदना था, पासपोर्ट बनवाना था ना। अगला मैच कब है? जाए जाए उठ। हे सब ठीक है ना?
कितनी देर यार? जाए, मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है? तुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। मेरा फोन दे यार। क्या हो गया इसे? पता नहीं क्या हो गया। हेलो, सुनेगी इसकी? हाय, हम काव्या। मैंने कई नाम सोचे थे लेकिन ये नहीं सोचा। ओह, तो तुम सोचते भी हो? अच्छा, ये चोट कैसे लग गई तुम्हें? ये तो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, ऑटो वाले ने ठोका। उस ऑटो में कोई लड़की बैठी थी क्या? पीछे जाकर नंबर मांगते मांगते गिर गए? तुम्हें समझ कर फॉलो कर रहा था। ओह, समझ गई। झूठ बोलते हो मगर बोलना नहीं आता। आज मैं कोई बड़ी डॉक्टर होती पर कम मार्क्स आने की वजह से रह गई। इन सब का कारण मेरी बुआ की लड़की है। बहुत जल्दी है मुझसे, अब तो वो कॉलेज भी जाने लगी है। पता है तुम्हें, हर चीज में उसे मुझसे आगे निकलना है। बस हमेशा मुझसे कंपटीशन करती रहती है। मेरी तो समझ नहीं आता कि वो ऐसे बिहेव क्यों करती है मेरे साथ। बहुत जिद्दी है वो, बुआ की बातें भी नहीं मानती। पता नहीं बुआ उसे कुछ कहती क्यों नहीं है। चलो चलते हैं। क्यों? कुछ काम है। ओके। बस मुझे रास्ते में छोड़ देना। ठीक है। तो मेरी एक हेल्प करोगे? हाँ बोलो ना काव्या। गलत मत समझना प्लीज। नहीं नहीं बोलो ना। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। और कुछ नहीं, बस मुझे दो बियर लेके दोगे क्या? क्या कहा? मैंने ठीक से सुना नहीं। मेरे लिए दो बियर ला सकते हो? बियर? तुम पीती हो? मुझे लगा तुम तो मुझे समझोगे, लेकिन तुमने भी मुझे नशेबाज समझ लिया ना। पता है गांव में हमारी फैमिली की कितनी इज्जत है, मंदिर में पहला सम्मान हमारा होता है। तुमने मुझे देखकर ऐसा कहा, ये बात अगर दादी को पता चली तो वो जीते जी मर जाएंगी। अच्छा रहने दो, चलो बैठो। ए, लेकिन बियर किसके लिए? वो मेरी ब्यूटिशियन ने बताया था, बियर से हेयर वॉश करने पर सॉफ्टनेस आ जाएगी, इसलिए मांग रही थी। सॉरी मुझे पता नहीं था। यहाँ पर बियर की दुकान कहाँ होगी ये तो मैं नहीं जानता। राइट में जाकर लेफ्ट में दूसरी शॉप है। तुम्हें कैसे पता ये? वो आते जाते दिखती हूँ ना, वहाँ हमेशा झगड़ा होता रहता है, बहुत गंदी स्मेल आती है। चलो ठीक है। जय, स्ट्रॉन्ग बियर लाना है प्लीज। क्या स्ट्रॉन्ग बियर? हाँ, उससे बाल ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। हाँ बोलो काव्या। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, घड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मुझे उल्टी सी आ रही है। जय, अरे तो जल्दी जाकर अपने डैडी को बुलाओ ना। मैंने पी रखी है जय, तुम पी करके अपने डैडी को उठाते हो। क्या कहा तुमने, पी रखी है? ए, तुमने हेयर वॉश करने के लिए बियर मांगी थी ना? हेयर वॉश करते करते थोड़ी सी अंदर भी चली गई। क्या करोगे तुम? सिर घूम रहा है जय। ए, क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं। कुछ खाया? बहुत कड़वी लग रही थी इसलिए चॉकलेट खा रही हूँ। चॉकलेट? ए, उसे उठाकर फेंको। क्यों? और चढ़ जाएगी। ओ, ठीक है किचन में जाओ। किचन में? ए, तुम्हें अच्छा होना है ना, तो फिर किचन में जाओ। रुको। लेमन। आउच। काव्या क्या हुआ? ओह डैडी आ गए। बोल दो पानी पी रही हूँ। ओके, पी रही हूँ। पानी पी रही हूँ डैडी।
थैंक्स जे, अब बेटर लग रहा है। ठीक है, अब तुम सो जाओ। मैं तुम्हें सुबह फोन करता हूँ। क्यों? रुको ना, मेरे सोने तक मुझसे बात करते रहो प्लीज। मैं किसी लड़की से इतनी बात नहीं करता। फर्स्ट टाइम देखा था तो मैंने बोला था तुम्हें कहीं देखा है, और वो बात भी सच है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे फोन करोगी। तुम्हारा नंबर खोकर दोबारा कैसे मिल गया ये मैं ही जानता हूँ। काव्या, इट्स सो ब्यूटीफुल। आज कॉलेज नहीं है तुम्हारा? मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? लॉकर में था, सॉरी। ओह, कल रात मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना? नहीं तो? वो आज सुबह देखा मैंने, ऑलमोस्ट एक घंटे तक बात की थी। नहीं, आधे घंटे बात की थी। और बाकी आधे घंटे? तुम सोती रही और मैं सुनता रहा। उस आधे घंटे में क्या बात हुई? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या? सच कह रही हूँ? सच में कुछ याद नहीं है। तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो। हाँ? और मुझे हाँ कभी मिस नहीं करना चाहती। What? ये सिर्फ फ्रेंडशिप है या उससे आगे कुछ और? Stop it. Hey, बदमाश, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझे सब कुछ याद है। Very smart. ये यूनिफॉर्म तुम पर अच्छी नहीं लगती। तुम कब तक ऐसे जियोगे? कोई दूसरी जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते? चलो चले। वो सब ठीक है, पर आगे और भी प्रोसेस है। पहले आपको 3 लाख डिपॉजिट करने होंगे। वो तो काम मिलने पर सैलरी में से काट लोगे ऐसा बोला था ना? अब्रॉड जाने के बाद काफी लोग डिसअपीयर हो जाते हैं, आपको पहले पे करना होगा। आई एम सॉरी। जिस दिन तुम घर के कागज लाओगे उसी दिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उससे पहले तुम होने वाले बच्चे को देखने भी मत आना। तुझे 5 लाख चाहिए और मुझे घर छुड़ाने के लिए 40 लाख चाहिए। मेरी बेबी अनाथों की तरह इस समय किसी और के घर में रह रही है। पता नहीं मेरा होने वाला बच्चा कहाँ पैदा होगा। उस बच्चे के लिए 15 साल इंतजार किया है। उसे रखने के लिए मेरे पास एक घर तक नहीं है। इस दुकान को गिरवी रखता हूँ तो 5-6 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन हम लोगों को 45 लाख चाहिए। जय, एक काम करें क्या, अभी जो लड़ाई होने वाली है इस दुकान को गिरवी रखकर उसमें पैसे लगा दें। इस हफ्ते की फाइट में तू और विक्टर आमने सामने होंगे, उसके बाद IPL क्रिकेट कहीं कुछ भी नहीं। आखिरी लड़ाई है इसलिए लोग खूब पैसा लगाएंगे। लॉटरी खुल गई तो माला माल। क्या बोलते हो जय? ठीक है भाई, विक्टर है ना, जीत जाएंगे। नहीं, तुझे हारना है क्योंकि मैं विक्टर पे पैसे लगाऊंगा। क्यों, मुझ पे विश्वास नहीं है? बात विश्वास की नहीं है यार, हमें पैसे चाहिए बस। वैसे भी तू एक बार मैच हार चुका है यार, जीतने के 50% चांस है, लेकिन हारना वो तेरे हाथ में है जय। अगर तू यहाँ जीत भी गया ना उसके लिए तो तुझे यहाँ कोई मेडल नहीं मिलने वाला है। अगर पैसे चाहिए तो तुझे हारना ही होगा, क्या कहता है? ठीक है भाई। तुझे देखकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, तेरे हाथों को काट कर अंगूठा लगाऊंगा मैं। चल मार साइन, साइन मार। कौन है रे वो? भैया, इतना डेंजर आदमी होने के बाद भी उसे पैसे लिए? इस एरिया में इसके अलावा ना कोई ले सकता है और ना ही कोई देगा। आ, 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 आ,
विक्टर यहाँ का नंबर वन, आज तक यहाँ इसे कोई हरा नहीं पाया। तेरा हारना ओरिजिनल लगना चाहिए, अगर दादा को पता चला ना तो गए हम लोग काम से। ये आखिरी फाइट है, इसीलिए सभी लोग बढ़ चढ़कर पैसा लगाएंगे। सभी लोग विक्टर पर सारा पैसा लगाएंगे। विक्टर के हारने पर सारा पैसा हमें मिलेगा। विक्टर को मेरे पास भेजो। पहली फाइट बराबर की होनी चाहिए, अगर वो दो मारेगा तो तुझे भी दो मारना। जब तू जय को मारेगा तो सभी तुझे रेस का घोड़ा समझकर दांत तुझ पर लगाएंगे। सबको ऐसा लगेगा कि तू ही जीतेगा। मैं तुझे नाक खुजाने का ऐसे एक सिग्नल दिखाऊंगा, तब तू उसे बिना रुके दो मिनट तक मारते रहना। इस बीच याद रखना कि उसका एक भी पंच तुझे नहीं लगना चाहिए, ठीक है? तू ही जीतेगा समझकर सब तेरे ऊपर पैसा लगाएंगे। वही टाइम देखकर हम विक्टर के ऊपर पैसा लगा देंगे और विक्टर के जीतने पर हमारे हाथ में बहुत पैसे आ जाएंगे। ये है मनोज, यही हमारी जगह विक्टर पर हमारी तरफ से पैसे लगाएगा। 108 का 7, 17 का 2। विक्टर का लेख, विक्टर पर 5 लाख। मेरी बात ध्यान से सुन जाए, आखिरी में मैं तुझे इस तरह से चश्मा दिखाऊंगा। उस समय तू उसे संभाल नहीं पा रहा ऐसा दिखाकर टाइम देखकर सिर्फ मार खाना और एकदम गिर जाना, लेकिन जरा ध्यान से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जब तेरे ऊपर सबका पैसा लग जाएगा तो मालिक एक सिग्नल देगा और तब मार खाकर तुम नीचे गिर जाना, समझ गए ना? क्या हुआ? मैं उसे मार खाकर हार जाऊं, ठीक है? हाँ। इस फाइट में देखना मैं क्या करता हूं। अब की बार मैं उसकी कहानी खत्म कर दूंगा। Oh!
जय, उसे बचा लो, वो मर जाएगा, उसे बचा लो। जय, मार उसे, मार। हेलो काव्या, सॉरी मैं नहा रहा था। जय, ये टिकट्स कल की नहीं आज की है, मैंने अभी अभी डेट देखी। ये मूवी देखने का कब से प्लान बना रही थी बता। लाइफ में जो हम चाहते हैं वैसा कभी नहीं होता। पर पैसे तो वेस्ट हो गए ना। पैसे है ना, पैसे तो आज हैं और कल नहीं। क्या कहा, पैसे आज है कल नहीं? अरे अरे भैया क्या कर रहे हो, अरे छोड़ दो, तू बच्चा है, सबको सत्यानाश कर दिया, जाने दो ना, सत्यानाश किया। अरे भैया छोड़ दो भाई, तुझे छोड़ दो प्लीज, क्या कर रहे हो? अरे भैया क्या कर रहे हो, मैं कहां मार रहा हूं भैया, इसने मुझे मारा है, भैया जाने दो। भैया 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 क्या कर रहे हो, चल हट। सॉरी भाई, मुंह बंद कर। कितना समझाया था तुझे, कितनी बार हारा हूं मैं, लेकिन बेवकूफ पहली बार बना। अब आगे क्या होगा, बना बनाया खेल बिगाड़ दिया तूने। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। जिस दिन तुम घर के कागज लाओगे उसी दिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बच्चे को रहने के लिए एक छत भी नहीं बचा, कैसा इंसान है तू? तू इसमें कोई शक नहीं, इसी जुबान से तूने बोला था। सुरेश सुरेश, छोटी सी हेल्प कर दे, दो दिन में मैं तुझे लौटा दूंगा, नहीं तो मेरी दुकान तुम रख लेना। देख लिया ना क्या हुआ अब, ए साइन कर भाई, दरवाजा खोलो, मेरा आदमी है, एक ही हफ्ते में दे दूंगा, दरवाजा खोलो। ए डीलिंग वो नहीं थी, तू साइन कर, खोलो। ज्यादा दूंगा। हे मनी, तेरा आदमी प्रॉपर्टी से ज्यादा देने की बात कर रहा है, तू बता देगा ना? ए! मुझे देखकर बोल, देगा ना? एक हफ्ते का टाइम है, कहीं भाग कर नहीं जा सकता मनी। तूने सिर्फ अपनी दुकान गिरवी नहीं रखी है, तेरी बीवी जो पेट से उसे भी रखा है तूने। औरत कैसी भी हो मैं उस पर दया नहीं करता हूँ, समझ गया ना? अरे उस सुरेश को एक हफ्ते में पैसे कैसे देगा तू? कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था। वो तो ठीक है लेकिन एक हफ्ते में पैसे आएंगे कहां से? पता नहीं भाई, उस समय आपको बचाना था इसलिए बोल दिया। हाँ क्या बचाया है? ए, चाकू से हाथ ही कटता, तू तो गर्दन कटवाएगा, इसे बचाना कहते हैं? मुझे तेरा साथ नहीं चाहिए, इसीलिए तुझे छोड़कर आया था। क्यों आ गया तू पीछे मेरे? क्या
क्या बात है मनी, अब तो पार्टी के लिए तो कभी पूछता ही नहीं है। मेरा मूड ठीक नहीं है, तू जा यहाँ से। तो 500 देना। वो तू पहले ही ले चुका है, जा यहाँ से। अरे सब एक साथ लौटा दूंगा, अभी तो देना। कचहरी कह क्या? अरे तू फ्री में मत देना, जो बोल रहा हूँ उसे सुन। कल चेन्नई हैदराबाद IPL मैच कंफर्म फिक्स है, CBI की खबर है, पक्की है, मन चाकर लगा दे। मैच फिक्स है, कंफर्म न्यूज है। उसका 10% मुझे दे देना, अभी 500 देना। ए पटेल क्या बोल रहा है तू? अरे दे देना, मेरी बात नहीं मान रहा है, सिर्फ 500 तो मान। ए पटेल दोबारा बोल, देना 500। बोल तो दोबारा भाई। ए वो तो नशे में कुछ भी बड़बड़ा रहा है, छोड़ो ना उसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही इंस्पेक्टर दया ने बोला था, कोई ना कोई बात जरूर है। तुम्हें बकरा बना रहे थे ये मुझे नहीं पता था, सच में मनी इसमें मेरा कोई संबंध नहीं है। फिर जो बात इंस्पेक्टर दया ने बोली वही तूने कैसे बोली है? भाई रुक जाओ। अरे बता रहा हूँ ना मैं, रुको। मनी मेरा दया से कोई संबंध नहीं है, दादा का दया से सीधा कनेक्शन है। मनी की तरह बेवकूफ बनकर हारने वाले दादा के लिए बकरा है। दादा बुकी का काम करके पैसा नहीं कमाते हैं, कभी कभी बहुत बड़े बड़े हाथ भी मारते हैं वो। तेरे जैसे खेलने वाले जितने भी लोग हैं ना, वो दादा की नजर में हैं। अगर पैसे का लालच दिया जाए तो कौन कौन फंसेगा दादा ये सब जानते हैं। जब कोई मैच फिक्स होता है ना तो सबसे पहले दादा के पास ही मैसेज आता है, बकरे को विश्वास दिलाने के लिए वो अपने ही आदमी को भेजते हैं, जैसे उन्होंने तुम्हारे पास भेजा था इंस्पेक्टर दया को, ऐसे ही उसके हाथ में खुद ये 2-2, 3-3 लाख भेजते हैं। विश्वास हो जाए इसलिए हारने वाली टीम पर पैसा लगाने के लिए बोलते हैं। CBI की न्यूज है, कंफर्म है इंडिया जीतेगी। और अपने जो बेवकूफ लोग हैं वो सोचते हैं पुलिस वाला लगा रहा है और उस पर विश्वास करके कमाई जो होती है वो सब की सब वहाँ चली जाती है। मैच के टॉस होने से पहले ही हमारा पैसा ठिकाने लग जाता है, वो पैसा बैटिंग की जगह नहीं सीधे दादा की तिजोरी में जाता है। बकरा। चोर फ्रॉड कहीं का, मुझे बेवकूफ बनाकर कंगाल बना दिया उसने। मेरे ऊपर क्या दिखा रहा है, या तो दादा है ना उन पर दिखा जरा, नहीं कर सकते ना, मैं भी नहीं कर पाया था, कभी मैं उसका पार्टनर था, सब कुछ छीन लिया उन्होंने मेरा, पैसे के बिना घर भी नहीं जा सकता था, बेइज्जती होती मेरी, इसलिए उसके साथ रहकर अब काम कर रहा हूं। कितना लुटा दिया? अपनी जिंदगी छोड़कर सब कुछ लुटवा चुका हूं। ए मनी, जहां खोया है ना वही ढूंढना चाहिए। हाँ? मैं जगह बताता हूँ, जाकर निकाल ले तू वहां से। क्या कह रहा है तू? दादा की तिजोरी में हाथ मारेगा। कैसे करेंगे, मुमकिन है? हाँ, वो इतना बड़ा कोई महल वहल नहीं है। तू हाँ बोल तो सही, फिर देख तुझे एक सुपर प्लान बताता हूँ। क्या जय पूरा सुने बिना आ गया? जो गया उसका डबल मिल सकता है हमें। अरे भाई वो तो फ्री में पूरा हाथ मारने की सोच रहा है, आप भी ना। बाप रे, मुझे तो सोच कर डर लग रहा है, हम जो करते हैं उसे खेल खेल बोल कर अभी आप चोरी करने की सोच रहे हो। ए, मैंने कब सोचा चोरी करने को, उनकी वजह से ही मैं मजबूर हुआ। पटेल ने क्या कहा सुना नहीं? विश्वासघात किया है उसने। अरे तू है शरीफों की तरह बात कर रहा है। मैं शरीफ तो नहीं हूँ लेकिन चोर भी नहीं हूँ। क्या बार बार चोर चोर बोले जा रहा है? मैंने बैंक में चोरी करने को बोला क्या, या रास्ते में लड़कियों की चैन खींचने की बात कही? ओ, उसके पास जो पैसा है वो सब मेरा है, उसने पैसा ही नहीं छीना मुझसे, उसने मुझसे मेरा परिवार घर इज्जत सब कुछ छीन लिया है। भाई अभी छोड़ो, कुछ बोलो मत, हम कल बात करेंगे। है मतलब मैं इतनी देर से पी के बड़बड़ कर रहा हूँ? तू मुझसे मेरा मुंह मत खुलवा जाए, दादा को छोड़ तूने आखिर मेरे साथ क्या किया, वो भी तो धोखा ही है ना। भाई मुंह बंद कर, तेरे ऊपर भरोसा करके अपनी दुकान गिरवी पर रख, सारे पैसे फाइट में लगा दिए मैंने, एक नंबर का पागल है तू,
क्या सोचकर सुरेश को 50 लाख देने की बात कराया तू? अरे उस सुरेश के बारे में कुछ जानता है तू? कहे के मुताबिक एक हफ्ते में पैसे नहीं दिए ना तूने, मेरे साथ साथ मेरी बीवी को भी लटका देगा। मजाक समझ रखा है, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं मर क्यों ना जाऊं, सब कुछ अकेले ही करूंगा मैं। पॉइंट है या राउंड है? पॉइंट है दादा, अभी शुरू किया है। ए, चल पत्ते डाल। बोला ना डाल। चाल कितने की है? 10,000 है दादा। ए, पैसे है ना? दादा, वो कोई बात नहीं है। ए, क्या? तेरी पहचान का है क्या? रूल रूल होता है, पहले पैसे फिर गेम। ये भी तूने सही कहा, तू कैसे पहचानेगा कि मैं कौन? ए, कौन है तू? ए, कौन है तू? डीके नाथ को जानता है? मुझे नहीं पहचाना? अपने घर को गिरवी रखकर 2 करोड़ लिए थे, मुझे घुमा रहा है? कैसे मांगूं? तू तो मुझे पहचानता ही नहीं है, पूछता है कि मैं कौन हूँ। मेरा 1 रुपया भी कोई नहीं खा सकता। है मालिक, पहचान हो गई है, वसूल कर ले इससे। ए मालिक, दादा को ये मैटर बताया? हाँ छोड़ो, अभी दादा बाहर जा रहे हैं, आने के बाद निपटाएंगे। ये बता, कल मैच में क्या है? 60-40 हैदराबाद। एक मिनट, ये ले, हैदराबाद पर लगा दे। पैसा लुटाने की आदत हो गई। हाँ, ये मेरा लकी नंबर है, इसे भी लगा। वापस कितना मिलेगा देख लेना, रख ले। अरे उसे छोड़, तू बोल बोल। IPL का टाइम है। हाँ। दादा के ऑफिस में अच्छी कमाई होगी। हाँ। सिटी के जितने भी बुकीज है ना, वो सारे के सारे वही पैसा लगाते हैं। ऐसी बात है, वापस लौटाना दादा का काम है। ओ, कल से 4 दिन के लिए दादा मुंबई जा रहे हैं। हाँ। सारा पैसा वहीं पर होगा। ओ, सही प्लान करके हाथ मारा ना। हाँ। तो अपनी दिवाली है। मैंने तुझे क्या समझा था, धोखा तो मुझे अपनों ने दिया है, तू तो सुपर है भाई। मुझे कम आका था ना, दिमाग देख ले। उसे छोड़, रूम के लॉकर में सारा पैसा जमा होता है, मगर लॉकर की चाबी। अरे चाबी छोड़, चाबी आसपास ही कहीं होगी, उसे छोड़, तू बोल। भाई फंसोगे। ए क्या यार, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वहाँ 4 लड़के हैं, सब बेकार हैं। बेकार मतलब? मतलब बेकार है, मतलब इजी है ना। मलिक तो होगा ना? मलिक? दादा मुंबई जाते हैं ना, तो मलिक अपने घर में नहीं जाता, 24 घंटे वो वहीं पड़ा रहता है। उसके पास सामान भी होता है। सामान मतलब? गन गन। तो सबसे पहले वही गन ही चुरा लेंगे। मरोगे। तो चुप कर, तुझसे किसी ने सलाह नहीं मांगी है, मैं करने जा रहा हूँ, जो होगा देख लूंगा। आप जैसा कह रहे हो ना करके दिखाओ, तब तो आपकी मौत उस दादा के हाथों ही होगी। एक तो ताना मार रहे हो, उधारी मेरी वजह से हुई है, फिर मौत की वजह भी मैं ही बनूंगा। मैं करूंगा, मुमकिन तो नहीं है लेकिन चारों को नहीं संभाल सकते। तूने तो विक्टर को मार दिया जय, ये क्या है तेरे लिए? भाई वो लड़ेंगे नहीं, मौका देखते ही भाग जाएंगे, कैसे पकड़ेंगे उन्हें? ये भी सही कह रहा है तू, लड़के चाहिए। डायपर पहनने की उम्र में डिस्को आ रहे हो हैं? मैं एक दिन में 100-100 लोगों को संभालता हूँ। 5 लोग तो मामूली बात है, मगर पुलिस पुलिस की प्रॉब्लम हुई तो? वैसे प्रॉब्लम तो कोई होगी नहीं, लेकिन पुलिस पक्का नहीं आएगी। लॉकर में इतने पैसे रखकर वो चाबी वहां नहीं रखेगा, तोड़ कर निकालना होगा। मैं एक को जानता हूँ। अच्छा, तुम्हारे पहचान का है? वो एक और को जानता है। ये कैसा नाम है? अंधेर राज, वो रात में घूमता है क्या? घूमता रहता हूँ पूरी रात। वो मालिक भाई
मस्जिद जाते हैं? रोज तो नहीं जाते हैं, मगर जुमे को जरूर जाते हैं। वहाँ से बिरयानी भी खा कर आते हैं। कितना टाइम लगता है? लगभग 40-45 मिनट। तो फिर शुक्रवार को ही करेंगे, दिन के उजाले में। उसको दिन के उजाले में ही नंगा करेंगे। बकरा सुट्टा मार कर आता हूं, तुम कार में इंतजार करो। ए चल रहे। ये कार है। मलिक अभी अंदर है, और वहां जाने के बाद ना हम एक काम करेंगे कि कितनी देर से बुला रही हूँ तुम्हें काव्या, हॉर्न मार रही हूँ, कार में बैठने से सुनाई नहीं देता। मैं बाद में फोन करता हूँ, तुम अभी जाओ। हाय गोपी। हाय। तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों दिख रही हैं? वो आंखों में कचरा चला गया था। ओह, और जय, तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? वाओ, हे, उसे यहाँ से जाने को बोल। नाइस कार, नाइस कलर। भाई अभी ये यार, एक सेल्फी हो जाए। सेल्फी? यार देखो, सेल्फी लेने का समय है। ये फोटो मैं तुम्हें भी भेज दूंगी। ए गोपी, तुम्हें भी भेज दूंगी। काव्या, हां प्लीज, अभी तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। बाय। तुम यहीं रुको, मैं जरा देख कर आता हूँ। जाओ जाओ। ए, हम दोनों पहले जाते हैं। हाँ। तुम बाद में आना, लेकिन ऐसे आना जैसे तुम ये जगह नहीं जानते। हाँ। चल हाँ। चलते हैं। हाँ। अंदर चार लड़के बैठे हैं। कहां पर है? रुक रुक रुक, सब साथ में है। तोड़ दूं क्या? तोड़ दे। घंटी दबा के चाबी मांगो तो चाबी मिल जाएगी। ये क्या कर रहा है? मांग ले क्या? सॉरी। ए, सब लोग मास्क पहनो। कौन है तू?
ए, चेहरे पर क्या है? उतार उसे। तू अंदर कैसे आया? यहाँ क्या कर रहा है? उतार, उतार बोला ना, उतार। लॉकर किधर है? ए, लॉकर किधर है? बोल पटेल। मलिक अंदर चला गया है। वो बाहर है तो फोन करना। हाँ ठीक है ठीक है। बंगला है, बड़ा है, लॉकर भी है। थोड़ा टाइम लगेगा। 20 मिनट हैं हमारे पास। प्रेशर मत डाल, सबर कर। हे, मुंह ऐसे क्यों बना रखा है? कहीं पैंट तो गीली नहीं कर दिया ना? कैसी शक्ल बना रहा है? बाहर जा। अच्छा, कितने बैग भेजे हैं? सब बड़े बड़े बैग भेजे हैं ना? एक भी पैसा मत छोड़ना। हाँ तू अपना काम कर, समझा? रख रख रख, मैं फोन करता हूँ। राज तुम खोलो, मैं नीचे देख के आता हूँ। हाँ, हाँ। ए, यहाँ सब ठीक है ना? Yeah!
होगा। चलो इसको। हे जय, जरा बाहर आकर देख, यहाँ कहाँ चार लोग यहाँ से गायब है। चलो चलो चलो। कहाँ जा रहा है? मलिक के बिना अंदर जाने नहीं देंगे। आजा, छोड़। अरे अरे, मलिक को आने दे, आजा। चल अंदर, चल चल, घुटनों पर बैठ। सोचा कि तुम लोग छोटे बच्चे हो, इसलिए हम एक लाठी तक नहीं लेकर आए। बदमाश कहीं का। मलिक मस्जिद से निकलकर अब बिरयानी खाने जा रहा है। हे, यहाँ गेट के बाहर पांच लोग खड़े हैं। कौन है वो? पता नहीं है। पता नहीं, गन है उनके पास। कर्नाटक का नंबर है, इनोवा कार है। ओहो, वो कलेक्शन लेने आए होंगे। हर हफ्ते आते हैं, मैंने कहा था ना पैसे अंदर हैं। हे, सब कुछ अब बता रहा है, लड़के बाहर कैसे आएंगे? पता नहीं, देखो बिना मलिक के उन्हें अंदर नहीं जाने देंगे। लड़कों को पैसे लेकर जाने को बोलो। थत, किसी काम का नहीं, कहां फंस गया। जल्दी आ, टाइम नहीं है। बैग किधर है? सब जगह देख लिया, यहाँ कुछ नहीं है। क्या कहा तूने? वहाँ पर पैसे नहीं है भाई, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सच में। हाँ, सब चेक कर लिया। अगर वो लोग पैसे लेकर जाते तो बाहर पांच लोग गन लेकर खड़े नहीं होते। जाए, क्या कहा? गन के साथ? हाँ, बाहर है। हाँ जाए भाई, ये अभी बता रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अब बाहर कैसे आएंगे? जय, जरा एक मिनट सोच कर देखना तू, बिना पैसों की क्या हालत होगी हमारी, मर जाएंगे हम। देख जय, सारे पैसे अंदर ही हैं। भाई यहाँ पैसे नहीं है। आप पीछे वाले रास्ते पर आइए, हम वहीं मिलते हैं। जय, ऐसे बाहर मत आ, हो सकता है बाथरूम में रखा उन्होंने। भाई जरा चुप रहो, फोन रखो। बोल पंकज। भिखारी कहीं का, इतनी बड़ी तिजोरी में सिर्फ चार पेपर्स रखे हैं? दिमाग खराब कर दिया। हमारे पास में कितना है? देखा, 100 रुपए, इसमें भी इतनी अकड़ दिखाता है। ए, जल्दी निकलो यहाँ से। अरे जय, सुरेश को पैसे नहीं दिए तो वो हमें मार देगा। चलो ठीक से ढूंढ, समझा? हाँ, हम पीछे आ रहे हैं भाई, आप तैयार हैं ना? जय 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 जय। रुको, चल। तुम लोग जाओ। ए जय चल। अरे चलो, मैं आ रहा हूँ ना। हेलो, हाँ मलिक भाई,
ए, कहां पर हो? बंगले के बाहर है, आप कहां हो? घर में कोई घुस गया है, घर को घेर लो, मैं आ रहा हूँ। ए, अंदर चल, कोई घुस गया है। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। भाई अंदर कुछ लोग घुसे हुए हैं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कहाँ मर गए सब? ए, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। जय, कहाँ है तू? भैया तुम लोग जाओ यहाँ से। अरे पैसे नहीं मिले कोई बात नहीं, तू तो बाहर आ जा। मुझे यहाँ घेर लिया क्या? पता नहीं कितने लोग हैं, लेकिन मैं देख लूंगा। अरे उनके पास गन सर है। भाई मैंने बोला ना मैं देख लूंगा। वो फंस गया, हमें यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है। निकलो चलो, चल चल जा, जा गेट खोल, चल निकल जा, जा ना। डर रहा है क्या? सबको आने को बोल, आने दे सबको, काट दूंगा सबको, बोल आने को। लॉकर यहाँ पर और पैसे दूसरे घर में, इतना सोच कैसे लेते भाई? डर की वजह से सर। अब कोई चूना तो लगा के गया, बात बच नहीं रही है। अच्छा अमाउंट कितना था? 4.5 लाख। करोड़? अपनी पूरी जिंदगी दादा के यहाँ हाथ फैलाना पड़ेगा, अच्छी तरह सोच लो। अरे राज, अरे कहाँ है तू? यहाँ पर पार्टी चल रही है, आजा। क्या पार्टी है? दिमाग खराब है क्या? हैं? तुम लोग तो पढ़े लिखे अनपढ़ हो, समझे? पागल हो गए हो क्या? तुम लोग तो फंसोगे ही और साथ में मुझे भी फंसाओगे। हाँ, कम से कम 10 दिन शांत बैठो। मनी, मैं ना सिर्फ तुम पे भरोसा करता हूँ। ए, किसी का चेहरा याद है तुझे? सब मास्क पहने थे सर। इसे खोलना इतना आसान नहीं है, स्पेशलिस्ट ही इसे खोल सकता है। यहाँ जो भी हुआ है सीसीटीवी में होगा। कह रहा है कि मास्क पहने थे, हो सकता है जान पहचान वाले हों। सर वो तोतला, सर तोतला है।
सर वो हकलाता था। सर मत मारो, सर मत मारो, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, छोड़ दो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मत मारो सर, सर छोड़ दो सर, मैं आगे बहुत बढ़ता हूँ सर, सर 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 नहीं 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 सर, वहाँ बचा रे, बचा मार डाला रे, हे दूसरे को भेज। अभी तू बोल, पिछले शुक्रवार को कहाँ पे था तू? मुझे बोल नहीं पाता, गूंगा है क्या? नहीं सर, पान है मुंह में। तेरी थूक थूक उसे। सुन ले, अभी जल्दी से अपना नाम पता काम सब कुछ उगल दे। हकले का नाटक करके गलत काम करता हूँ मैं। तू पुलिस वाला गुंडा है तो मैं गुंडों का बाप हूँ। ना मैं हकला हूँ और ना मेरा नाम अंधेर राज है। This is called identity चोर। बोला। मेरा नाम करण है सर। हाँ। मैं शहीद नगर में रहता हूँ। शुक्रवार को मैं ड्यूटी कर रहा था सर। ड्यूटी कर रहा? हाँ। किसी के घर में ताला तोड़ रहा था, वो वाली? वही ड्यूटी? नहीं सर, मैं वॉचमैन हूँ सर, वो सब काम छोड़ के टाइम हो गया। अच्छा ठीक है, तेरी नजर में कोई हकला ताला तोड़ने वाला है क्या? सर अंधेर राज नाम का एक आदमी है, बहुत ही शातिर चोर है सर, कोई भी ताला यूं करके तोड़ देता है। बेचारा 2 साल पहले ट्रक के नीचे आके मर गया सर। सोच रहा था बेवकूफ होंगे, फंस जाएंगे, लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही होशियार है। बिना रिकॉर्ड वाले नए लड़के लगते हैं। तुम ये बात दादा को बता दो मलिक। जिस वक्त मैं नहीं था उसी वक्त चोर आए, और उसी समय मलिक तू भी तो बाहर गया था। आप मुझ पर शक कर रहे हो दादा? तेरे भरोसे छोड़कर आया था, मेरा पैसा चुराने वाला मरेगा, वो हजम नहीं कर पाएगा, मैं कल आ रहा हूं। शहर में हो क्या? तुमसे काम है। ठीक है। मलिक भाई का फोन आया था। Hey!
अरे सुनो भाई, कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर नहीं है, उन्हें आने में 10 मिनट लगेंगे। इसमें क्या है? बिल्ली है। मर गई है क्या? आप डॉक्टर हो क्या? हैं? नहीं ना, डॉक्टर को आने दो। मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया, यहाँ तक कि डैडी को भी फोन किया। ठीक है, भले ही मर गई है, पर हमारे घर का कोई होता तो डॉक्टर से चेक करते ना, स्ट्रेटा भी दफना थोड़ा ही देते। तुम्हारा काम हो गया ना? हाँ हाँ, हो गया। ठीक है ठीक। अच्छा बिल्ली को छोड़ो, एटलीस्ट मेरे खातिर आ जाते। थैंक्स जय, अगर इस वक्त तुम नहीं होते तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाती। ए, इसके लिए तुम इतना सोच रही हो? सिर्फ 1 महीने यहाँ रहोगी। 1 महीने बाद फॉरेन में जॉब अप्लाई कर दी है। अरे तुमसे कहा था ना, वो कंफर्म हो गया है। मुझे कब कहा? पर तुम्हारे पास जॉब तो है। इस काम में ना तो इज्जत है और ना ही पैसा, और तुम्हें तो कहा था कि नौकरी सूट नहीं करती। मैंने कब कहा? उस दिन होटल में। यूनिफॉर्म कहा था, जॉब नहीं जाए। ये बिल्ली किसकी है? हमारी है डॉक्टर। सॉरी, ये मर चुकी है। एटलीस्ट हमने ट्राई तो किया। मुझे छोड़कर मत जाओ ना जय। यहाँ पर सुबह सुबह क्या कर रहे हो? सर, हम फैमिली फ्रेंड्स हैं। सब लोग ऐसा ही कहते हैं। ये लड़का दिखने में सही नहीं है, चेहरे पर चोट का निशान भी है। सर प्लीज, हम चले जाते हैं यहाँ से। जल्दी निकलो यहाँ से। ए, ए, चलो भागो, भागो, भागो। पुलिस को देखकर ऐसे क्यों डरते हो, जैसे कोई चोरी की हो? अब चलो। सुन मनी, मैं अंधेर राज बोल रहा हूँ। हे जय, अंधेर राज का फोन है। टेंशन मत ले और बात ध्यान से सुन। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी, उसने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे, वो भी पुलिस स्टेशन में नहीं, बाहर ले जाकर। अगर केस हुआ तो 1-2 साल की लगेगी, पर इनकी कहानी अलग है। मुझे पैसे से ज्यादा मेरी जान प्यारी है, इसीलिए थोड़े दिन के लिए मैं निकल रहा हूँ। तुम भी कहीं निकल लो। अब तो हकलाया भी नहीं, इसीलिए बच गया वो। बंटी कहाँ है? भाई माचिस है क्या? ये ले। ये ले, बात कर। हाँ बोल बंटी। दादा को सब पता चल गया है। कल वो डिस्को भी आए थे। मैं तो वहाँ से भाग आया हूँ। तुम्हारा एड्रेस पूछते हुए वो रूम पर आ रहे होंगे। अब कहाँ पर जाएं? मैं यहाँ स्टेट हाईवे पर एक कार में वेट कर रहा हूँ। जल्दी आ जाओ तुम लोग। तिरुपति में मेरा एक दोस्त रहता है, वहाँ हम सेफ रहेंगे। हाँ ठीक है, आते चल चल। जाए फिर करता जब काम ये करता।
बंटी ए! बंटी सॉरी सॉरी जे ए, ए, कहाँ है पूछ? हेलो जय, कहाँ पर हो? फील्डिंग सूरज के ऑफिस में। टाइम हो रहा है। रुक जरा, पैसे देकर कागज लगकर हिसाब क्लियर कर दूँ, वरना ये पीछे पड़ा रहेगा। इसलिए पहले इसे देख लेता हूँ। फील्डिंग सूरज के ऑफिस में पैसे देने गए हैं। किसका पैसा, किसको दे रहे हो? उसका ऑफिस कहाँ है जानता है? हाँ देखा है। क्या मनी, आज तो मनी के पास मनी बरस रहे हैं। ए, सही से देख ले, असली नोट है कि नकली? सुरेश, मेरे घर के कागज। तसल्ली रखो मनी, पैसे सही से गिन तो लेने दो, लड़के हिसाब में जरा वीक हैं। सुरेश, मुझे अर्जेंट था इसलिए मैं। सर को बहुत जल्दबाजी है, चलो मैं गिन लेता हूँ। बस 5 मिनट और, कागज लेकर के चलते हैं, ठीक है? ये मेरा लकी नोट है, इसे भी लगा कर देख वापस कितना मिलेगा। चलो चलते हैं। अरे कागज लेकर चलते हैं ना भाई, कुछ गलत लग रहा है, समझा करो। चलो चलते हैं यहाँ से, जल्दी चलो। ऐसा क्या हो गया, तू टेंशन क्यों ले रहा है भाई? चलो यहाँ से जल्दी। अरे बता तो कहाँ लेकर जा रहा है? मनी हाँ? पैसे दिए उसकी रसीद तो ले लो, पैसे पूरे हैं, आकर रसीद ले लो। आ जा, रसीद लेकर आते हैं भाई। क्या मनी, अभी तक गए नहीं? हे, क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? ये लो तुम्हारी रसीद आ गई, ले लो। दादा ने पकड़ा तो क्या करेगा, सोचा तूने? कभी सोचा? अपना पैसा, मैंने अपना ही पैसा लिया है। चुप, कमीना कहीं का। वो पैसे लेकर तू क्या करेगा? फिर से मैच में तू हार जाएगा। जानता है मैं क्या करूंगा? खून करूंगा, 100 खून तक कर सकता हूं मैं। बाकी के पैसे कहां है? नीचे गाड़ी में है। पैसे नीचे गाड़ी में है। दादा मैं लेकर आऊंगा। ए, मुंह छिपा कर मेरे पैसे चुराए थे ना, अब चेहरा ही नहीं बचेगा। ए, हथौड़े से इनका चेहरा बिगाड़ दो। रुक रुक, मार मार।
नई शर्ट है। अब मार। कौन है रही है? ए सुरेश, उसे बैग के साथ भेज। क्या? साथ में कोल्ड ड्रिंक भी भेज देता हूँ। काट डालूंगा। ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ? जल्दी भेज। डबल रोल है क्या? ये दोनों जुड़वा लग रहे हैं। ए, जाकर पकड़। हाँ? तू भी जा। Hey, जा देख उधर। सुरेश, घर नीचे कर। अपना आदमी है। क्या मालिक, अगर एक मिनट लेट आते ना तो टपका देता था। ठीक है, चल जा जा। ए, तू बंदूक नीचे कर। उसने मेरे भाई को मारा है। अरे लेकिन तू तो बच गया ना। दादा, मालिक भी गया दादा। हाँ? वो कमीने जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन मुझसे बच नहीं सकते। तुझे भी डर लग रहा है क्या? हे, अगर वो यहां से बाहर गए ना तो तुम सबको मार डालूंगा, और मार कर आओगे तो एक एक को 10-10 लाख दूंगा। जाओ। ठीक है।
ए मणि, बुजदिल बाहर आ, बाहर आता है कि नहीं? भाई मत जाना। ए जय, तुम लोग यहां से भाग नहीं सकते, कितनों को मारेगा तू? ए मणि, जिस दिन तूने मेरे पैसों पर हाथ रखा था उसी दिन तू मर गया। मेरा पैसा मुझे दे दे, तेरी बीवी को छोड़ दूंगा मैं, वरना तेरे सात पुश्तों में भी कोई जिंदा नहीं बचेगा। तू मेरे सामने आ जा, उन्हें छोड़ दूंगा मैं, आएगा कि नहीं? मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। भाई रहने दो। नहीं जय, शुरुआत मैंने की थी, मेरे साथ ही खत्म होने दे। जय तू पैसे देकर निकल जा यहां से। उसे कुछ मत करो दादा, मैं आ रहा हूं। उसे गोपी जल्दी आ, चल। क्या चल चल, कहां जाएंगे हम लोग? चौराहा भी पार नहीं कर पाएंगे, यहां इससे तो बच जाएंगे लेकिन पुलिस नहीं छोड़ेगी। देखो चारों तरफ कितने लोग मरे पड़े हैं। ए, अब मरे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो पैसे लेके भागेगा इल्जाम उसी पे लगेगा। इल्जाम ना तो लगने दे, चोरी खून बोलता है तो बोलने दे। अब भूल गए हमने ये सब किस लिए किया था? बीवी बच्चे चाहिए वो सब छोड़कर पैसे लेकर भागने के लिए तैयार हो गए आप। अनजान शहर में इन पैसों को ले जाकर पता नहीं कब कौन मार दे, डर डर कर कब तक जियोगे आप? यही जिंदगी है? मैं नहीं चाहता ऐसी जिंदगी, बिल्कुल नहीं। मर जाऊंगा लेकिन इज्जत की जिंदगी जियूंगा और यही मेरे लिए काफी है। अगर अभी मैं भाग गया तो वो जिंदगी कभी नहीं मिलेगी। मतलब पुलिस को सरेंडर करने जा रहा है? हे, इसने बहुत पुलिस देखी है, दो गड्डी फेंकेगा ना, हमारा ही एनकाउंटर कर देंगे पुलिस वाले। अगर पैसे लाकर देंगे तो भी वो मार देंगे। हाँ दादा बोलो। दादा बात करने की हालत में नहीं है। कौन बोल रहा है? मलिक? वो मर चुका है। ए, कौन है तू? मैं कौन हूँ वो सब छोड़, दादा की चोरी हुए 4 करोड़ कहाँ है वो जानना है ना। ए, बाहर जाओ। पूरे 4,23,53,000 रुपए में से एक भी रुपया कम हुआ ना तो तुझे और तेरी गैंग को छोड़ूंगा नहीं। जय, ये मेरे ही घर के कागजात हैं, अब कुछ नहीं चाहिए, चल यहां से। आपका काम खत्म होते ही जा रहे हो, आप जैसे कितने लोगों के कागज यहां रखे होंगे। ए गोपी, हाँ। सारे कागज बाहर निकाल। हाँ। हाँ? सब निकाल। हाँ। वो बैग उठा।
सर, अच्छा हुआ आप आ गए सर। हाँ फील्डिंग सुरेश माफिया और इलीगल गैम्बलिंग चलाने वाले गैंग में डील की वजह से आपस में भिड़ंत हो गई। द डील गॉन रॉन्ग, टिपिकल गैंग वॉर। दोनों सिविलियन कैजुअलिटीज। स्पेशल टीम तैयार है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन सर, क्या आप बता सकते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है? व्हाट? आई कांट आंसर फॉर ऑल योर बेसलेस सिली क्वेश्चंस।